बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते बनाते वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे गाइस, आप क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक क्या करो भाई। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो हे व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में हम फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो स्मार्ट वॉच के सारे फीचर चेक करने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने किया था इसका अनबॉक्सिंग, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एंड आज के इस वीडियो में हम फायरबोल्ट फिनिक्स प्रो स्मार्ट वॉच के सारे फीचर चेक कर लेंगे या फिर कह लो टेस्ट कर लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक एंड चैनल को क्या करना है सब्सक्राइब। आप लोगों को पता है यार, आप स्मार्ट हो यार, चैनल भी स्मार्ट, अपना आप भी स्मार्ट हो। तो अगर आप भी स्मार्ट हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए बात करें बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन की, तो वो सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई दिया था अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में। अब हम जानते हैं कि इस वॉच को हम अपने फ़ोन के साथ कैसे पेयर कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे जिससे हमारा जो वॉच है वो हमारे फ़ोन के साथ में पेयर हो जाएगा। सो गाइस, इसका ना ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इस वॉच की सेटिंग में जाना है एंड सबसे बॉटम में आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐप डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से इस QR कोड को स्कैन करके आप इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके द फिट अगर आप ऐप सर्च करते हैं तो ये जो एप्लीकेशन है ये इस वॉच का एप्लीकेशन है। तो यहाँ से हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप डायरेक्टली सर्च करेंगे फायरबोल्ट एप्लीकेशन तो ऐसा नहीं आएगा, इसका जो स्पेशल ऐप है वो यही है द फिट। जब आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो डिटेल है इन सबको फिल करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने सारी डिटेल फिल कर दी है। अब यहाँ पर हम जाएंगे सेंटर वाले ऑप्शन में एंड यहाँ पर जब हम ऐड डिवाइस पे टैप करेंगे तो यहाँ पर हमें लोकेशन एक्सेस करना होगा। अलाउ वगैरह सब कुछ करने के बाद यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन करना है, उसके बाद में ये हमारी वॉच को सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड डिवाइस पे जाता हूँ, उसके बाद इनेबल कर लेता हूँ यहाँ पर लोकेशन। तो मैं यहाँ से मैं अपने फ़ोन का लोकेशन ओपन कर लिया मैंने। उसके बाद में यहाँ पर ऐड डिवाइस पे जैसे हम जाएंगे तो यहाँ पर जो भी वॉच होगी ये स्कैन करेगा, उसके बाद में हमारा जो वॉच का ऑप्शन है वो आ जाएगा फायरबोल्ट 100। तो ये भी वॉच को सर्च कर रहा है। ओके सो गाइस, जो हमारी वॉच है वो यहाँ पर वॉच का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हो फायरबोल्ट 100। तो यहाँ पर हम जैसे इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये हमारी वॉच के साथ अभी पेयर हो चुका है एप्लीकेशन। अब एक बार पेयर करना है एंड जब आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अगर आप अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये ब्लूटूथ ऑन करते ही ये जो हमारे वॉच के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बैटरी है ये यहाँ पर शो कर रहा है, देखो 76% एंड हमारी वॉच के अंदर भी 76% बैटरी यहाँ पर शो हो रही है। अब ये पूछ रहा है कि हम अगर कॉलिंग के लिए ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपने वॉच का तो यहाँ से आप इसको पेयर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा कॉलिंग के लिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर हमें इसके कुछ वॉच फेस मिल जाएंगे डिफ़ॉल्ट एंड यहाँ पर जब हम ऐड फेस गैलरी के अंदर जाएंगे ना तो इसके अंदर हमें 100+ वॉच फेसेस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे आप देख सकते हो। अभी ये अपडेट भी हो चुका है तो इसके अंदर और मोर न्यू ऐड हो चुके हैं, ये देखो। तो इसमें ना कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको वॉच फेस मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो फनी है, कलरफुल है, आर्ट है, यहाँ पर रिकमेंडेड है एंड न्यू वॉच फेसेस आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में दिख जाएंगे। तो यहाँ से मैं किसी भी एक वॉच फेस को आपको ऐड करके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे ये वॉच फेस अच्छा लग रहा है तो इसके ऊपर हम सिंपल सा टैप करेंगे एंड यहाँ पर अप्लाई पे टैप कर देंगे एंड ये जो है हमारे वॉच के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये लोडिंग होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके अंदर राइज टू वेक वाला ऑप्शन अभी मैंने शायद ऑफ करके रखा है, न्यू एप्लीकेशन पेयर की इसलिए ऑफ हो गया। ओके सो गाइस, जो हमारा वॉच फेस था वो वॉच के अंदर अप्लाई हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस अभी मैंने 50% रखी, इसकी ब्राइटनेस मुझे काफ़ी अच्छी लगी सिस्का वाली वॉच से। इसमें 280 निट्स का डिस्प्ले मिल जाता है इसलिए ब्राइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, इंडोर एंड आउटडोर के लिए काफ़ी अच्छी वॉच है ये। हमें एप्लीकेशन में कुछ और ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप जिस भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन ऑन करेंगे उसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके वॉच के अंदर शो होगा, मैसेजेस शो होगा। एंड यहाँ पर आप अलार्म सेट कर सकते हैं, इस वॉच के अंदर स्पीकर मिल जाता है तो यहाँ पर हमें जो है अलार्म सेट करने के बाद में स्पीकर से साउंड ऑन होने लगेगा। यहाँ से आप अपना कैमरा एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर अभी फ़ोन का कैमरा ऑन हो चुका है एंड मैं जब भी अपने वॉच के शटर बटन पे टैप करूँगा तो ये जो फ़ोटो है क्लिक कर लेगा, ये देखो। तो अभी इसने फ़ोटो क्लिक कर ली है 3 सेकंड में, ये देखो फ़ोटो क्लिक हो गई गाइस। एंड यहाँ से हम इसको बैक कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ पर फेवरेट कॉन्टेक्ट के अंदर आप कॉन्टेक्ट 7 या फिर 8 कॉन्टेक्ट आप
इसके अंदर सेव कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग के लिए फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारी वॉच के अंदर ही, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जब हम कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट ईजिली आ जाएंगे, तो यही से आप वॉच के अंदर से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद में अदर ऑप्शन के अंदर आपको इसके अंदर वॉच की काफ़ी ज़्यादा सेटिंग देखने को मिल जाएगी। फाइंड डिवाइस पर जैसे आप टैप करते हैं तो हमारी वॉच के अंदर से साउंड आना शुरू हो चुका है, एक तरीके से सायरन बज रहा है ताकि हम अपना वॉच फाइंड कर सकें। यहाँ पर टाइम फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसके बाद में यूनिट सिस्टम आप यहाँ चेंज कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, एंड यहाँ पर बैटरी सेविंग भी ऑन कर सकते हैं, म्यूज़िक कंट्रोल भी सेट कर सकते हैं यहाँ से, लैंग्वेज वगैरह, एंड ये जो ऑटो लॉक है यहाँ से आप इसको, जैसे ही हम अपने वॉच को ऐसे राइज टू वेक से ऑन करेंगे, उसके बाद में 15 सेकंड तक आप इसको, या फिर 30 सेकंड तक आप इसको डिस्प्ले को ऑन रख सकते हैं, या फिर 5 सेकंड तक आप जितना भी चाहे कर सकते हैं। क्विक व्यू, ये दोस्तों क्विक व्यू को मतलब होता है दोस्तों ये राइज टू वेक, ठीक है। अगर इसको ऑफ कर देना तो ये राइज टू वेक हमारी वॉच के अंदर वर्क नहीं करने वाला है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वर्क ही नहीं करेगा। एंड जैसे ही मैं क्विक व्यू को ऑन कर देता हूँ, ये देखो मैंने ऑन कर दिया, एंड उसके बाद में जैसे ही मैं राइज टू वेक की तरह इसको यूज़ कर सकता हूँ, इसको क्विक व्यू भी बोलते हैं या फिर बोलो राइज टू वेक भी बोलते हैं। उसके बाद में ड्रिंक वाटर रिमाइंडर भी है, वेदर यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो, साइकिल डेज और भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो। ये देखो, तो ये ज़्यादा फीचर कुछ यूज़ के नहीं है, लेकिन ये जो मेन फीचर है यहाँ पर आपको ऊपर मिल जाएंगे। एंड यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया शटर कंट्रोल वगैरह। एंड यहाँ पर अगर हम अपनी वॉच के अंदर अपना खुद का फ़ोटो लगाना चाहें तो यहाँ पर ये जो सेकंड वॉच फेस है इसके ऊपर आपको जाना है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अपन जैसे ही टैप करेंगे हमें यहाँ पर एक्सेस करना अपना जो है गैलरी, एंड उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर चूज़ फ्रॉम एल्बम पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो यहाँ से अपना फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ से हम जो भी फ़ोटो लगाना चाहें वो यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है, अब यहाँ पर हम इसको क्रॉप कर सकते हैं इजीली, एंड ऊपर ये जो टिक का ऑप्शन है जैसे इसके ऊपर हम टैप करेंगे हमारी फ़ोटो हम आराम से इसके अंदर सेट कर सकते हैं। टाइम पोजीशन आप यहाँ पर अबव या फिर बिलो कर सकते हैं, यहाँ पर बिलो सही है। यहाँ पर आप जो टाइम का कलर है वो भी आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, वाइट यहाँ पर ठीक है, एंड यहाँ पर जो अबव टाइम के ऊपर क्या लगाना है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं अबाउट टाइम के ऊपर अगर डेट लगाना चाहूँ, स्लिप लगाना चाहूँ, हार्ट रेट लगाना चाहूँ, स्टेप लगाना चाहूँ, या फिर बिलो टाइम के नीचे भी हम डेट वगैरह और कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम जैसे इसके ऊपर सेव पे टैप करेंगे ये जो स्विचिंग बैकग्राउंड, तो ये हमारी वॉच के साथ में स्विच होना शुरू हो जाएगा। नाउ गाइज यू कैन सी, ये जो हमारी फ़ोटो थी वो हमारे वॉच के अंदर ऐड हो चुकी है, एंड फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, कलर वगैरह बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर दिख रहे हैं। चलो अब हम बात करते हैं कि हम अपने फ़ोन को वॉच के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम कॉलिंग कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमें अपनी वॉच के सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद में यहाँ पर फ़ोन कॉल है ये ऑफ है तो इसको हम सिंपली ऑन कर लेंगे, या फिर आप वॉच के कंट्रोल सेंटर से भी यहाँ पर डायरेक्टली ऑन कर सकते हैं फ़ोन कॉल, ठीक है। अब उसके बाद में हमें इस वॉच का ब्लूटूथ और ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होगा, तो हम अपने फ़ोन के ब्लूटूथ में जाएंगे। अभी तो ये नॉर्मल कनेक्ट है, अगर हम कॉलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर जैसे ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट होता है ना, वैसे ही हम अपने वॉच को भी कनेक्ट करेंगे। तो ये देखो अभी तक प्रॉपर कनेक्ट नहीं है, अभी हम इसको प्रॉपर कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से। अभी ये जो स्टार्टिंग में पेयर होने के लिए देखो रिक्वेस्ट कर रहा था ना, अब हम इसको पेयर करेंगे। तो अभी ये जो है ना वॉच हमारे फ़ोन के साथ में प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है, ये देखो इसको तो हम हटा दें, तो ये हमारे वॉच प्रॉपर कनेक्ट हो चुकी है, ये देखो अभी कनेक्टेड है प्रॉपर। अब हम जब भी किसी को कॉल करेंगे तो जो साउंड होगी या फिर हम बात करेंगे वो अपनी वॉच से बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पर रिसेंट कॉल मिल जाएगा, डायल पैड मिल जाएगा, एंड यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट जो मैंने आपको एप्लीकेशन में बताए थे वो यहाँ पर सेव किए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लर कर दूंगा, अभी मैंने तीन कॉन्टैक्ट अभी सेव किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायल पैड से हम लगा लेते हैं। नॉर्मल सा नंबर कॉल करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया जियो कंप्लेंट्स कह लो या फिर जियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से आप अपना वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी जो साउंड आ रहा है ना वो वॉच के अंदर से आ रहा है। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया ये वॉच अभी हमारे फ़ोन से ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कनेक्ट हो चुकी है, तो हम जब भी अपने फ़ोन के अंदर म्यूज़िक प्ले करेंगे तो वो साउंड जो होगा वो इस वॉच के अंदर सुनाई देगा, इसके वॉच के स्पीकर के अंदर सुनाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका स्पीकर भी चेक करवा देता हूँ। इसके स्पीकर से साउंड आ रहा है और गाना इसके अंदर प्ले हो रहा है।
फ़ोन के अंदर। एंड हम ना यहीं से अपने वॉच के अंदर से ही म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैं अपने यहाँ पर म्यूज़िक के ऑप्शन पर जाता हूँ, तो ये म्यूज़िक ऑप्शन आ गया। अब इसके ऊपर जाएंगे तो यहीं से हम जो है अपने म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो, ये म्यूज़िक पॉज प्ले एंड यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ मैं। ये देखो नेक्स्ट हो गया और ये प्रीवियस सॉन्ग आ गया। एंड यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल भी हो जाएगा। ये देखो यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल करूँगा एंड वॉल्यूम कंट्रोल हमारे फ़ोन के अंदर लो होगा। ये देखो कुछ इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा फीचर है इस वॉच का। सो गाइस, इसका कॉलिंग फीचर चेक करने के लिए मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई कॉल ही नहीं उठा रहा भाई। हेलो, अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं घड़ी से बात कर रहा हूँ अभी। मैं बोल रहा हूँ यूनुस। अच्छा यूनुस, हाँ बोल। हाँ तो मैं घड़ी से बात कर रहा हूँ, वीडियो बन रही है मेरी। तो उससे मेरा क्या फायदा? अच्छा तो साउंड कैसा आ रहा है? साउंड बढ़िया आ रहा है। बढ़िया आ रहा है ना, जैसी फोन में आती वैसी। अच्छा ठीक है, समझ गया। यहाँ पर हम इसका नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। मैं जाता हूँ इसके नोटिफिकेशंस में एंड यहाँ पर फ़ोन एंड व्हाट्सएप का यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन इनेबल कर लूँगा। तो नोटिफिकेशन इनेबल करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग एक्सेस करना होगा, अलाउ करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द फिट को आपको यहाँ से अलाउ करना होगा, जब भी आप नोटिफिकेशन इसका एक्सेस कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। फ़ोन का भी मैं यहाँ से अलाउ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये देखो, अभी जो भी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा उसका नोटिफिकेशन हमारी वॉच के यहाँ पर मैसेजेस के अंदर शो होगा। ओके सो गाइस, यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन से मैसेज किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज यहाँ पर रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पर पहले मैंने हाई भेजा, हाई आ गया। उसके बाद यहाँ से मैंने भेजा फिनिक्स प्रो फीचर टेस्ट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है। एंड मैसेज की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी लंबा आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। इसका जो मेन्यू चेंज करेंगे तो यहाँ पर मैं मेन्यू व्यू चेंज कर लेता हूँ, लिस्ट व्यू पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अब लिस्ट व्यू में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर दिखाता हूँ आपको, गेम्स भी अभी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम गेम्स में जाएंगे एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर यंग बर्ड एंड 2048 वाला गेम मिल जाएगा। तो यंग बर्ड मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो टाइम पास के लिए अच्छा गेम है। सॉरी, गेम ओवर हो गया, तो इसको बैक करते हैं एंड दूसरा वाला जो गेम है वो देखते हैं 2024। इसके अंदर अच्छा मतलब टाइम पास आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये वाला गेम थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा बोर हो रहे हो कहीं बैठे हो तो यहाँ पर आप सिंपल सा टाइम पास कर सकते हो। तो दो गेम भी हमें इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब AI वॉइस का यूज़ करके हम इस फ़ोन का गूगल भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ, देखो AI वॉइस पर जैसे ही टैप करता हूँ तो हमारे फ़ोन का जो गूगल होगा वो ओपन हो जाएगा। ये देखो अभी ये गूगल ओपन हो गया। अब हम अपनी वॉच के अंदर जो चीज़ भी सर्च करेंगे ना वो यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर सर्च हो जाएगा। अब इस वॉच का हार्ट रेट भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे टैप करेंगे एंड यहाँ पर फिर से टैप करने से ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो BPM है वो मेज़र हो चुका है, 71 BPM है। अब इसका रियल टेस्ट करने के लिए मैं थोड़ा अपनी बॉडी को वार्म अप करता हूँ या फिर यहाँ पर थोड़ी सी रनिंग लगाता हूँ एंड देखते हैं 71 से हमारा BPM बढ़ता है या फिर नहीं बढ़ता। तो यहाँ से हम इसका रियल BPM या फिर हार्ट रेट चेक कर सकते हैं। ओके सो गाइस, थोड़ी सी दौड़ लगाने के बाद फिर से हम अपना हार्ट रेट चेक करते हैं। वैसे तो एक्सरसाइज करते नहीं है आज इस बहाने, चलो एक्सरसाइज हो गई हमारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। तो फिर से यहाँ पर हार्ट रेट चेक करते हैं। नहीं किया है, थोड़ा सा रनिंग लगाया है जस्ट फॉर ये चेक करने के लिए। तो यहाँ पर 76-77 यहाँ पर BPM आ रहा है। भाई इस वॉच को मैं एक दिन लेके जाऊँगा क्लिनिक के पास और वहाँ पर है ना BPM चेक करने का जो मशीन होता है ना, रियल मशीन, उसके साथ इसको कंपेयर करके शॉर्ट वीडियो बना दूंगा इस चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से पूरा प्रॉपर पता चल जाएगा कि इसका BPM एक्यूरेट राइट है या फिर नहीं। यहाँ से हम अपना SpO2 भी चेक कर सकते हैं। SpO2 यहाँ पर नॉर्मल सा जैसा हमेशा आता है वैसे 99% या 98% आता है। सो गाइस, ये कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है इसलिए हम इसके ऊपर प्रॉपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, जस्ट फॉर आइडिया के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसका जो BPM है वो ऑक्सीमीटर्स के बिल्कुल लगभग सेम आता है, लेकिन फिर भी वॉच के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना, डॉक्टर के पास चले जाना, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर हम बिना हैंड के हार्ट रेट मेज़र करते तो ये वॉच हमारा BPM मेज़र ही नहीं करता। ये देखो यहाँ पर आ गया है वियर वॉच प्रॉपरली एंड ट्राई अगेन। ओके सो गाइस, ये था इस वॉच का फीचर टेस्टिंग वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे बहुत दिन हो गए वीडियो बनाते वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे। गाइस आप क्या कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक किया करो।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।